हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल प्रॉपर्टी प्लाजा से। आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हीरानंदानी स्टेट का कमर्शियल प्रॉपर्टी है, 250 एकड़। आप देखें तो 250 एकड़ का इनका प्लानिंग है। इसमें कुछ रेसिडेंशियल इनका फ्लैट्स हैं और कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट है जो ये सेल कर रहे हैं थाने एरिया में। तो आज मैं हीरानंदानी स्टेट का आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी किस टाइप का है, वो आप देखें समझें, उसके बाद आप ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें। ये लगभग 400 स्क्वायर फुट के आसपास कारपेट एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने जो डिज़ाइन दिया है ना पूरे हीरानंदानी स्टेट का, कंपेयर करें तो सारे लुक वगैरह। ये सामने इसका व्यू है और बैक साइड का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, जो बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर व्यू है। बैक साइड का आपको खाड़ी का व्यू है, वे व्यू है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसका छोटे छोटे कमर्शियल बनाया है इन्होंने, आप ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। जब अगर आप हीरानंदानी में ये रहते हैं तो इस टाइप का आप सेटअप बना सकते हैं। अभी मैं आपको इसका दूसरा प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग ही पूरा कमर्शियल बिल्डिंग है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं लेफ्ट में और राइट में दोनों ही कमर्शियल है ये, और हाई स्पीड लिफ्ट, साथ ही साथ फायर एग्जिट पॉइंट, स्टेयरकेस वगैरह बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने बनाया है। ये इसका पैसेज है जहाँ से आपको एक्सेस मिलता है ऊपर नीचे के लिफ्ट के लिए, साथ ही साथ फायर एग्जिट पॉइंट है। आप ये चार लिफ्ट, सर्विस एरिया के साथ। अभी मैं आपको रिवर व्यू का प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। दोनों साइड का बहुत ही खूबसूरत ओपन व्यू है, और ये पूरा इसका पैसेज एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा इसका प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको हीरानंदानी स्टेट का, ये थोड़ा छोटा प्रॉपर्टी है, उससे कमर्शियल ही है, थोड़ा छोटा प्रॉपर्टी है। इसके पहले मैंने जो आपको दिखाया वो बड़ी प्रॉपर्टी था। ये एक वॉशरूम के साथ में आपको ये सेटअप बना के दे रहे हैं। आप किसी भी तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, बैक ऑफिस हो या फिर किसी भी तरह का कमर्शियल ऑपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको रिवर का व्यू मिलता है बैक साइड का, बहुत ही नेचुरल आपको एक खूबसूरत ओपननेस मिलता है काम करने के लिए। इसी टाइप का हीरानंदानी का इंटेंशन ही इतना ब्यूटीफुल है, वह आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको एक फ्लोर दिखाया, ये बाकी कितने माले की बिल्डिंग है, कितना स्टोरी टावर है, ये सब मैं आपको बाद में दिखाता हूँ दोस्तों, बताता हूँ डिटेल जाने में। तो ये आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ। ये बिल्डिंग है हीरानंदानी स्टेट का, प्रोजेक्ट का नाम है सोलस, 26 स्टोरी टावर है, और ये पूरा का पूरा कमर्शियल बिल्डिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको इसका एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, और दोनों साइड, एक मिनट भाई, दोनों साइड इसका विंग्स हैं। ये इसका रिसेप्शन काउंटर है, और ये इसका पूरा का पूरा लॉबी है, और कुछ आप देख सकते हैं एक विंग इसका इस तरफ है। चार लिफ्ट और एक स्टेयरकेस के साथ इन्होंने बनाया है। तीन लिफ्ट इस साइड है और दो लिफ्ट इस साइड है, टोटल पांच लिफ्ट दिया है इन्होंने, और आगे उस तरफ लिफ्ट दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बिल्डिंग 26 स्टोरी टावर, और ये दोनों साइड इसका एंट्री दिया हुआ है। इधर भी पांच लिफ्ट का स्पेस उन्होंने कवर किया हुआ है। और भी कुछ डिटेल आप जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ पे देख के आप समझ सकते हैं, आस्क करें, पूछें, आप हमें बता देंगे आपको डिटेल पूरा। 250 एकड़ में पूरा डेवलपमेंट हुआ है इनका, हीरानंदानी स्टेट सोलस का। ये आप देख सकते हैं पूरा
कमर्शियल जो बनाया है इन्होंने 26 स्टोरी 26 माले का जो कमर्शियल है उसका नीचे का ये पार्किंग एरिया है और ये दो लेवल पार्किंग एरिया है प्लस ग्राउंड लेवल इन्होंने पूरा पार्किंग एरिया कवर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर आप कमर्शियल परचेस करते हैं तो आपको पार्किंग का कोई बर्डन नहीं आएगा, पार्किंग का फुल पूरा जगह आपको मिलता है। कुछ जगह स्टेट पार्किंग किया हुआ है और कुछ काफ़ी बड़ा एक पार्किंग एरिया इन्होंने कवर किया है। अभी मैं आपको यहाँ से पूरा तो नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि ये मैं थोड़ा व्यू करके दिखा रहा हूँ, चारों साइड यहाँ पे आपको पार्किंग का बहुत बढ़िया एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। आपका अगर कमर्शियल में यूज़ करने के बाद आपको पार्किंग के लिए लेते हैं तो आपको बहुत सारा जगह मिल जाता है। बहुत सारे जगह पे जब आप कमर्शियल परचेस करते हैं ना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे, तो वो इशू यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा दोस्तों। ये क्लब हाउस है हीरानंदानी स्टेट का, मैं आपको अभी अंदर से दिखाता हूँ। क्लब हाउस की एंट्री है ये, ये एंट्री है हीरानंदानी स्टेट के क्लब हाउस का। और बाकी तो आपको मैं अंदर का तो पूरे दिखा ही चुका हूँ, ये तो आप देख ही चुके हैं। क्या और ये इसका बड़ा सा दो स्विमिंग पूल का प्रोविज़न किया हुआ है, एक तो सामने आप देख रहे हैं और एक उस तरफ, दो ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल का प्रोविज़न, एक ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक एंजॉय के लिए कर रहे हैं। ये इसका, ये बैंक्वेट हॉल है इसका, देख सकते हैं कुछ प्रोविज़न चल रहा है पार्टी वगैरह का। और ये बाहर का पेंट्री का प्रोविज़न है, साथ ही साथ इसमें एक रेस्टोरेंट का भी प्रोविज़न किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सही है रेस्टोरेंट, ये इसका जिम एरिया है हीरानंदानी स्टेट का, ये आप देख सकते हैं फुली मॉडर्न इक्विपमेंट से लोडेड है ये। ये इसका सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है सोफे के साथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्ट के लिए। और ये आयुर्वेदा है, ये ट्रेनिंग चल रहा है इसका स्विमिंग पूल का, ये ट्रेनिंग के लिए है हीरानंदानी स्टेट का। ये एडल्ट्स का स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हैं। मैं क्लब हाउस इस तरह का, इसमें 4 से 5 क्लब हाउस है पूरे में, 250 फुट 250 एकड़ का पूरा ये कैंपस में 4 से 5 क्लब हाउस है। ये सिटिंग एरिया है और ये सामने आप देख सकते हैं ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल दिया हुआ है। और अभी मैं आपको कुछ बैंक्वेट हॉल्स और इसमें किड्स एक्टिविटी के लिए दिखाता हूँ।